हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। अभी टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 11.4। शो दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्रूफ करना है हम लोग। शो दैट, तो इसके अंदर हम लोगों को प्लस पॉइंट ये रहता कि चाहे हम LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करो या RHS इज इक्वल टू LHS प्रूफ करो, दोनों में कोई भी लेके हम प्रूफ कर सकते हैं। जो आसानी हो रही उसको हम करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर अगर आप लोग आसानी चाहते हैं तो इसका RHS पहले ले लीजिए। RHS इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका आसान है, ये आपका आसान मेथड है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप वन, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसको डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। अगर रेशनलाइज का मीन क्या है, प्लस रहा तो माइनस में लिखेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, अगर माइनस रहा तो प्लस के साथ लिखेंगे। अब यहां पर प्लस है तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया इसका रेशनलाइजिंग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा टू टाइम रिपीट हो रहा, तब हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिखेंगे, होल स्क्वायर। अब ये एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज लिखेंगे। अब यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिनोमिनेटर हमको इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म के मेथड में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमिनेटर एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको फिर दोबारा से न्यूमिनेटर एज इट इज रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाय 1 वन जा 1 माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर न्यूमिनेटर एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्या था इसका आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब दोबारा से क्या करेंगे हम, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों भी स्क्वायर में, तब हम लोग एक ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा ऊपर इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सेपरेट करेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये दोनों को हम लोग सेपरेट करें। अब इसको सेपरेट करे बाद 1 बाय साइन थीटा का हम लोग ऑलरेडी रेसिप्रोकल लिख चुके हैं। 1 बाय साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, 1 बाय साइन थीटा यहां पर है, 1 बाय साइन थीटा, ये 1 बाय साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा की आइडेंटिटी लिख चुके हैं हम लोग, कॉस थीटा बाय साइन थीटा यहां पर है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा की आइडेंटिटी कॉट थीटा, तब हम लोग इसकी जगह पर कॉट थीटा लिख सकते हैं ऊपर इसके स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, अगर आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो हमको आंसर आ चुका है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, इसीलिए इसको हम क्या दे देंगे, LHS दे देंगे। LHS इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, देयरफॉर RHS इज इक्वल टू LHS, ये दोनों प्रूफ हो चुका है।